युवा कांग्रेस व एनएसयूआई द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग आगमन पर काली पट्टी बांध जताया अपना विरोध। कहा, पहले 15 लाख का वादा तो पूरा कर दो। भाजपा के प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष पूर्ण होने को लेकर दुर्ग में आयोजित जनसभा में आगमन को लेकर युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध जताया गया। इस अवसर पर सभी युवाओं ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश मजुमदार ने विगत 9 वर्षों के केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज 18 करोड़ रोजगार का सपना देश का युवा देख रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जीएसटी की बकाया 871 करोड़ की राशि के कब मिलने को लेकर युवाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगने अपना विरोध जताया। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग में दौरा है। चुनावी समर को देखते हुए हम अमित शाह जी से कल शाम को प्रदेश युवक कांग्रेस एनएसयूआई के तत्वाधान में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया कि वो पहले जो 15 लाख नौकरियों को जो उनकी सरकार ने वादा की थी, आज 9 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, संपूर्ण देश में 15 लाख नौकरियां कहाँ उसका हिसाब दे। पिछले 15 साल में उनके भाजपा के छत्तीसगढ़ के मंत्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार किए गए हैं उनका हिसाब दे, उसके पश्चात वो आके सभा को संबोधित करे। हमने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया था कि हमें अमित शाह जी से मुलाकात करने का समय दिया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसी कड़ी में, क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए, समस्त प्रदेश युवा कांग्रेस एनएसयूआई के तत्वाधान में आज पुराना थाना, पुराना बस स्टैंड के पास समस्त कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन की कड़ी पटेल चौक तक यहाँ से हम पैदल मार्च करके इसको आगे बढ़ाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह जी का दुर्ग दौरा है, जिसमें दुर्ग एनएसयूआई और युवा कांग्रेस द्वारा काला पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अमित शाह जी ध्यान नहीं दे रहे, केंद्र की कोई भी मंत्री ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि ट्रेन इतने सारे लेट है और हमारे जो पहलवान हैं जिसको आज तक कोई भी वो नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका दौरा ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनावी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको न्याय दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज दुर्ग एनएसयूआई द्वारा और युवा कांग्रेस द्वारा आज काला पट्टी बांध के अमित शाह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना विवादों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी शाखाएं इस विरोध प्रदर्शन को आने वाले चुनाव में किस तरह से भुना पाती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।